मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, जागे जागे देखते रहना, पल पल जागे रहना, केवल जागना, बहुत नेचुरल स्टेट में रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखते रहना, लगातार भीतर की राह पर जागे जागे जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। मनस्थल के ऊपर जो भी हो रहा है, माइंड के सरफेस पर जो जो हो रहा है, आप उसको देखने वाले, लगातार देखते रहना। मन से हट करके, विचारों से हट करके, अंधेरों से हट करके तुम जाके जाके देखते रहना। आप जो ही अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में स्थित होते जाते हो, माइंड अपने आप रुकता चला जाता है, ये स्वतः ठहरता चला जाता है। इसकी भाग दौड़ आप आधा भी स्वयं शांत होती चली जाती है। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर झूलता हुआ माइंड स्वतः ही अपने आप तेरी ओर उतरता चला आता है, वापिस तेरी ओर जब लौटता है तो ये रूपांतरित हो जाता है, ये तेरे अनुसार हो जाता है। तेरे अनुकूल होना, तेरे अनुसार होना माइंड का, ये जीवन की कीमत है, यही उपलब्धि है सर्वश्रेष्ठ, यही शिखर है सारे विश्व की पावर्स का। ये अस्तित्व, ये अवसर, ये आविष्कार अवकाश लेकर के भी कर लेना, नहीं तो ये जन्म माइंड के हाथ लगा लगा मौत की ओर ही बढ़ता चला जा रहा है। उससे पहले पहले यही है प्रभु इच्छा कि तू जगमगा अपने अंतस्थल पर, तू एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध हो जा, तो उसके अंदर समाहित हो जा, अपने अंशी में एक हो जा। इन सांसों के रहते रहते तो उसका हो जा जिसके अंतर्गत तो सदा आनंदित है, सदा स्वस्थ है। केवल देखना, पॉजिटिव थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए, सबको देखते रहना, कहीं भी इंडल्ज ना होना, कहीं लॉस्ट ना होना। अंधेरा है, अंधेरों को देखते रहना, होशपूर्ण स्थिति में रहना, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना, तब डायरेक्ट प्रवेश करना। तनिक मात्र भी माइंड को फोकस नहीं करना, मन को कहीं लगाना नहीं। बहुत लगाया है तूने, लगा नहीं आज तक, लगा लगा के देख लिया तूने इस माइंड को, कहीं लगा नहीं आज तक, लगा नहीं। इसलिए अब हम अगली सीढ़ी चढ़े, अगली पौड़ी चढ़े, अगले कदम उठाएं, हम माइंड को कहीं लगाना छोड़ दें। वही मन तो लगता नहीं, और लग जाए वो मन ही नहीं, हमें मन की गति को देखना है, मन माया को देखना है, जाके जाके माइंड की एक्टिविटीज को जाके जाके देखना है। हम माइंड नहीं है, माइंड को देखने वाले दृष्टा साक्षी या करता है। हम अपने स्वभाव में रहे, तुम देखने वाले हो, जागे जागे देखते रहना, भीतर की गति को देखना,
मनमाया के विस्तार को देखना, विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को, विचारों के आवागमन को देखते चले जाना, तुम अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। Watch your mind, watch your thoughts, watch everything which happens before you inside. Simply watch. Be watchful. It's your true nature. आप हर एक स्थिति को देखने वाले हो, तुम देखते रहना। जरूर माइंड से एक दिन छुटकारा हो जाएगा। माइंड से छुटकारा होते ही तुम श्वासों के रहते रहते मोक्ष, मुक्ति, अल्टीमेट फ्रीडम को प्राप्त कर लेते हो। कभी भी मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, सांसों के रहते रहते जीते जागते होता है मोक्ष, अल्टीमेट फ्रीडम, जन्म मरण से छुटकारा, माइंड से छुटकारा, इन सांसों के रहते रहते होता है। मृत्यु की गाल में जाकर के नहीं होता, पुनः जन्म लेते 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 अनेकों जन्म गुजर गए, कोई जन्म हमने अपने जीवन प्रदाता को नहीं दिया, अपने जन्म दाता को नहीं दिया। हम उसके प्रति कभी सिंसियर ना रहे, कभी ऑनेस्ट सिंसियर कदाचित ना रहे। हम अपने मालिक के प्रति एक डॉगी की तरह, डॉग की तरह कभी वफादार नहीं रहे, इसीलिए हम विराट से वंचित रहे, हम अपने अस्तित्व से वंचित रहे और डुअलिटीज का शिकार होकर के हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले गए। हमें मालूम नहीं जीवन के विज्ञान का, ये परम विज्ञान, जीवन का विज्ञान, सुपर साइंस, परम विज्ञान जान लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई किताब नहीं चाहिए, कोई पुस्तक नहीं चाहिए, कोई पठन पाठन नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार की मेंटल एक्सरसाइज नहीं चाहिए, एकमात्र वाइब्रेशन चाहिए। किसी भी जागे पुरुष की संगति में, सानिध्य में वाइब्रेशन का उतरा हुआ दौर तेरे ऑरा को जन्म देता चला जाता है, तेरी प्यास को उठाता चला जाता है, उससे मिलने का दर्द दीवानगी को उतारता चला जाता है। भाव दशा में डूबते चले जाना और विचार दशा में जागे जागे रहना, पल पल जागे रहना, हर एक थॉट, हर एक विचार के दृष्टा होके रहना, ये स्वभाव है तेरा। सहज पूर्वक जैसे बाहर की ओर देखते हो, ठीक उसी तरह बहुत स्वाभाविक रूप में सहज पूर्वक अपनी ओर जागे जागे रहना। ढल गई जब तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गई, एक चराग क्या चला। मेडिटेशन का, सुरती का, एक चराग क्या जला, अनेकों चराग
जल गए जब तेरी याद खुशी में ढल गए तेरी याद याद हम खुशी में ढल गए एक चराग क्या चला एक चराग क्या चला अनेकों चराग जल गए एक चराग क्या चला अनेकों चराग जल गए तेरी याद आ गई जब तेरी याद आ गई भी निगाह में पल रहा है वो समा आज भी निगाह में पल रहा है वो समा प्यास में रुके रुके मिल गए थे तुम जहां वारे पूरण से अपने मस्ती के बादशाह के प्रति समुद्र किनारे खड़े हुए अपनी दिलवर दिलो जानी दिलदार साकी की बिछोड़े पर समुद्री जहाज पर विराजमान अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हुए अपने मुर्शिद राम बादशाह के प्रति वह नौजवान मर्चेंट मैकेनिकल इंजीनियर बिग बिग बॉस मर्चेंट टोक्यो का जापान का जुगलबंदी हो गई राम बादशाह के साथ उसकी मस्ती में डूब गया पूर्ण सिंह पहली बार आया स्पिरिचुअल तल पर पहली बार आया स्पिरिचुअलिटी के द्वार पर पहली बार आया मेडिटेशन के आलम में और डूब गया एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में उतरा रूपांतरण होने लगा जीवन जगमगाने लगा भीतर की संपदा भीतर का धन भीतर की इस प्रॉपर्टी में नूरो नूर होने लगा इतना संबंध इतना रिश्ता जुड़ गया आत्मिक रूप में प्रेम रूप में कि उस हुसन को भीतर बिठा करके क्षमा जला रहा है ध्यान की और यही एकमात्र गा रहा है
अपने मुर्शिद अपने साहबा के प्रति आवाज उठा रहा। ये चिराग क्या जला है राम बादशाह के रूप में कि हम सब के बुझे चिराग जल गए, हम सब जगमगा उठे। एक चिराग क्या जला, अनेकों चिराग जल गए, एक चिराग क्या जला, अनेकों चिराग जल गए, तेरी याद आ, जब तेरी याद गई। सारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सारा माइग्रेन विदा हुआ, सारी पैनिकी स्टेट, एंग्जाइटी जैसी तमाम वीकनेस दूर हुई। मैं स्वस्थ हुआ, सुखद हुआ, आनंदित हुआ, मालोमाल हुआ, मैं ब्लिसफुल हुआ। तूने क्या कर्म कमाया मेरे मुर्शिद कि मैं मालोमाल हुआ। आज भी निगाह में पल रहा है वो समा, प्यास में रुके रुके मिल गए थे तुम जहां, ऐसी बिजलियां गिरी पाप सारे धुल गए, गम खुशी में ढल गए, ऐसी बिजलियां गिरी ख्वाब सारे जल गए, गम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई, जब तेरी याद आ गई, हम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, अनेकों चिराग जल गए, एक चिराग क्या, मेडिटेशन का, एक चिराग क्या चला, अनेकों चिराग जल गए, तेरी याद आ गई। गजब का प्यासा दीवाना है तू, गजब का रिंद पियक्कड़ है तू, तूने पिया है अपने कातिल अपने मुर्शिद को, कत्ल कर गया तुझको, काबिल बना गया, कामिल बना गया तुझको, आबाद कर गया उसके औरा ने, उसकी वाइब्रेशन ने, उसकी अल्फा वेव्स ने, उसकी संगति ने, उसके मस्ती की भरी सुराही ने क्या उड़ेल दिया। पहली बार टोक्यो का बादशाह, टोक्यो का जगमगाता हुआ मोस्ट पॉपुलर मर्चेंट, भीतर का भी मालिक हो गया। रहे गुजर वो प्यार की तुमसे मेरे हम कदम, ओ मुर्शिद, ओ साहबा, ओ जागे पुरुष, ओ एनलाइटेंड सोल, ओ प्रकाशमान सौंदर्यों का सौंदर्य, तो
जब से विराजमान हुआ इस हृदय के पट पर, मैं आबाद हुआ, मैं मालोमाल हुआ। मैं विराट अस्तित्व में आबाद हुआ। रहे गुजर वो प्यार की तुमसे मेरे हम कदम, तुम तो चल दिए मगर हम भटक रहे इधर, तुम तो चल दिए मगर हम भटक रहे इधर, देखते ही देखते नजर से नजर क्या मिली, नूर और नूर वाइब्रेशन का दौर क्या उतरा, देखते ही देखते तुम मुझ में समा गए, हम खुशी में ढल गए, देखते ही देखते तुम मुझ में समा गए, तुम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, अनेकों चराग जल गए, एक चराग क्या जला, अनेकों चराग जल गए, तेरी याद याद जब तेरी याद याद हम खुशी में ढल गए, तेरी याद याद जब कहीं तो सर उठाती है तो इंसान को परमात्मा बना देती है, तो इंसान को विराट के अस्तित्व में आबाद कर देती है, विराट बना देती है। ये प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम, प्रभु की दीवानगी, ये रिंद, ये पियक्कड़, ये पतंगे परवाने, इसी एक महात दर्द में जीते जीते दीदार दीद में उतर जाते हैं और फिर सारी दुनिया के लिए दाता बन जाते हैं। ये खोज, ये तलाश अपने आप की, अपने भीतर की सुपर साइंस, एकमात्र सुपर मोस्ट साइंस, एकमात्र परम विज्ञान है अपनी। और कभी आंख उठा करके देखना, हैरान रह जाओगे, तुम क्या हो और कैसे जी रहे हो, तुम कैसे हो, आप अपने आप से पूछना। कभी इंटेलिजेंस के शिखर पर बैठ करके, कभी अपने इंटेलेक्चुअल स्टेट में ये सवाल उठाना, तभी बुद्धिमान हो, तभी तुम प्रूडेंस के मालिक हो, तुम विजडम के मालिक हो। अगर ये क्वेश्चन उठता है अपने प्रति, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कैसा हूं, क्या करने आया हूं, क्या कर रहा हूं,
मेरे करनी में मौत उतर रही है या जीवन, मेरी आपाधापी दौड़ धूप में मेरी मौत निकट आ रही है या मेरा मालिक, क्या कभी कोई मेरी मंजिल मेरे हाथ लग रही है या मौत ही मौत, ये सब क्या हो रहा है। स्वयं पूरण सिंह ने देखा, थोड़ी आंख भर करके अपनी ओर देखा तो हैरान हो गया, सब अंधकार पिरोया मैंने, जो मेरा हा नहीं कभी हो नहीं सकता, कछु हा नहीं मेरा, जो मेरा कभी हो नहीं सकता, किसी का हुआ नहीं आज तक, उसको मैं पकड़े फिरता हूं, उसको अपना बनाए फिरता हूं, उसी के ऊपर नाश किए फिरता हूं, कितना नादान हूं मैं, क्या गजब का अनुभव पिरोया है। रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में जरा देर नहीं लगती, अगर तुम एक बार आंख भर करके अपनी ओर देख लो तो सारी के सारी अकड़ अंकार, सारा का सारा कर्म, सारा का सारा तेरा ईगो का कचरा विदा हो जाता है। दुनिया की इंटेलिजेंस का शिखर स्वयं पूरण सिंह कहता है, तेरी याद में रो लेना ये अरदास हमारी है, तेरी याद में रो लेना ये पूजा हमारी है। याद में रो लेना, तेरी याद में बह लेना, ये पूजा हमारी है, अरदास हमारी है, ये नमाज हमारी है।